ईसाले सवाब की मजलिस में एक सबसे बड़ा फैज़ ये है कि जब तक आप ईसाले सवाब की मजालिस में आ रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं, उस वक्त तक आपके दामन साफ़ हैं और आप पर ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि ये लोग जालिम हैं। आप पर ये इल्ज़ाम नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि आप हजरात किसी के यहाँ पुरसे को जा रहे हैं, ताज़ियत को जा रहे हैं, ईसाले सवाब को जा रहे हैं, गम उसके घर में हुआ है, रहम आपको आया है। इसका मतलब ये कि ईसाले सवाब की होने वाली मजालिस कौम तशय्यो के जज्बे रहम का ऐलान आम करती है। ऐलान आम करती है कि ये हमदर्द कौम है, दर्दमंद कौम है, ये किसी के दुख दर्द में ताज़ियत व तसल्लियत देने वाली कौम है, इसीलिए उसके ईसाले सवाब में पहुंची है, उसके घर पे पहुंची है। यही वजह है कि जिन कौमों में ईसाले सवाब की ये शक्ल नहीं बची है उनमें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। चूँकि जज्बात रहम व करम ख़त्म हो गए और इंसानी हमदर्दी की दीवारें मुनहदिम हो गईं और आदमी के सर पर कहीं शफ़क़त का कोई साया बाकी ही नहीं बचा, नतीजतन इंसान एक दूसरे के दर्द में शरीक नहीं हो सका और मैयत को दफनाने के बाद में किसी ने किसी बेटे को तसल्ली देने का मौका भी फराहम न होने दिया, न सोयम हुआ, न चालीसवां हुआ, न कहीं दसवां हुआ, न कहीं बीसवां हुआ, मर के मफाजात की तरह कब्र की नज़र हो गए। एक सलावात पढ़े मोहम्मद खान। नतीजा क्या हुआ कि कौम की कौम कहीं ना कहीं रहमो करम की वादी से दूर बसने लगी और ज़ुल्म व तशद्दुद के हाथों में गिरफ़्तार होती चली गई। तो जब तक आप ईसाले सवाब के फ़र्श पे बैठे हैं, आपकी ऐलानिया हमदर्दी दुनिया के सामने है कि ये हमदर्द कौम है। अब मैं उस लफ्ज़ का तर्जुमा भी कर सकता हूँ जो मैंने पीछे कहा है कि जाहिर सी बात है, जो आपसी हमदर्दी ना कर सका, किसी आम आदमी के मरने पर तसल्लियत और ताज़ियत ना दे सका, वो किसी दूसरी दुनिया में हमदर्दी के जज्बात दिखलाएगा, ये मुमकिन तो नहीं है। मैं बस एक लफ्ज़ कह रहा हूँ कि आपकी दुनिया भी कहीं से आई है तो यहाँ बैठी है, लफ्ज़ ही कामयाब हो जाना चाहिए। अगर आप माँ सबक में आज़ादारी के फ़र्श पर न बैठे होते तो ताज़ियत की मजलिस में आते ही नहीं। अपने नौजवान बच्चों को अपने मज़मून तक पहुंचाने के लिए ये लफ्ज़ कह रहा हूं कि अगर इमाम की आज़ादारी न होती तो मज़लूम की हमदर्दी भी न होती। जाहिर सी बात है, जो इमाम ही को न रोया वो आवाम को क्या रोएगा। जहाँ कौम मिल्लत पे ईसाले सवाब का खाने पीने का एक एहसान है, रोटी और सालन का एक इंतज़ाम है, बिरयानी की डिशों का एक अहतमाम है, उन सब से हटकर ईसाले सवाब का एक फ़ायदा ये भी है कि जब तक ये ईसाले सवाब जारी और सारी है, इंसानी हमदर्दी इस दुनिया के अंदर वाबस्ता है और हम किसी गमगीन फ़र्श पर अपनी हमदर्दी के तोहफे लेकर पहुंच सकते हैं और किसी के लिए बाईस तस्कीन बन सकते हैं।
वरना कोई बेटा अपने बाप को तन्हा नहीं रो सकता, कोई बाप अपने बेटे को तन्हा आंसुओं में याद नहीं कर सकता। लिहाजा उसके साथ रोना, उसको तसल्लियत देना, उसको ताज़ियत देना, ये इंसानियत की हमदर्दी का एक नुक्ते बुलंदो बाला है जिसे हम अदा करते हैं ईसाले सवाब के ज़रिए से। उसके अलावा एक मज़ीद फ़ायदा ईसाले सवाब की मजालिस का ये भी है कि एक जगह जमा होने का मौका मिल जाता है, जहाँ छुट्टी के दिन भी कहीं किसी से मुलाकात की गुंजाइश मौजूद नहीं थी, वहाँ ईसाले सवाब ने इत्फार को वक्फ कर दिया कौम के मिलने मिलाने के लिए। आप सबको अपने घर नहीं बुला सकते, आप हर आदमी को चाय पे नहीं बुला सकते, ठीक है आपके घरों में अगर रिस्क में इतनी वसत नहीं है कि आप पूरी कौम से अपने घर बुला के मिल सकें, तो आपके दरमियान में आपके इमाम का एक घर है। एक इमाम का घर है, आप अपने घर पे अगर पूरी कौम से नहीं मिल सकते तो आप खुद तैयार होइए, उठिए, चलिए, जाइए, इमाम के घर पहुंच जाइए। यहाँ आपका आना मुमकिन नहीं है, सबके घर आपका जाकर मिलना मुमकिन नहीं है, हम एक ऐसा घर बनाए दे रहे हैं जहाँ सब अपने अपने घरों से चले आएंगे और सबको उस दिन मालूम होगा कि आवाम की ताकत और है, इमाम की ताकत और। एक ईसाले सवाब का एक बेहतरीन फ़ायदा ये हुआ कि ईसाले सवाब के ज़रिए से आप और हम सब के सब किसी एक जगह जमा होकर आ जाते हैं और ईसाले सवाब की एक मजलिस हो जाती है। अब एक वो फ़ायदा जो इस कौम ने ईसाले सवाब के नाम पर उठाया है मगर किसी ने इस कौम को बताया नहीं, अगर बता देते तो वो बुनियादी फ़ायदा हमें हासिल हो रहा है और उलमा इसको महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया वो है जहाँ गुनाहों की बस्ती जगह जगह लगाई जा रही है, जहाँ नस्ल की तबाही के खेमे उसके हाथों में दिए जा रहे हैं, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी नई नस्ल को तबाह करने के लिए नए नए रूप धार कर आ रही है और मौलवियों से हटकर मोबाइल की शक्ल में दुनिया आबाद हो रही है। मौलवियों से हटकर मोबाइल की शक्ल में दुनिया आबाद हो रही है और नई नस्ल उसी की गिरविदा हो रही है। अब क्या फ़ायदा है इमाम हुसैन की मजलिस का? मैं ये समझता हूँ कि कौमें की कौमें इन गुनाहों के चक्कर में डूबती चली जाती हैं और कौमों का जवाल सिर्फ गुनाहों के तायुन करदा मिजाज पर होता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इतवार जैसी चीज़ को, हमारी कौम का एक बहुत बड़ा नज़रिया है कि इतवार जैसी चीज़ को भी वक्फ़े मजलिस कर दिया। जो कौमें गुनाह करना जानती हैं वो सैटरडे ही को तय करती हैं कि कल कौन से होटल में गुनाह करेंगे। जवान ये तय करता है कि कल कौन से होटल में गुनाह करेंगे, कौन से क्लब में जाएंगे, कौन से डांस बार में जाएंगे, कौन से जगह पहुंचेंगे और कहां पिकनिक मनाएंगे, कहां जाके गुनाह करेंगे। लेकिन इत्तफाक़े वक्त ये है कि ईसाले सवाब के पर्चों ने मेरी कौम के जवान को ये सोचने ही नहीं दिया कि वो इतवार में कहां जाएगा, वो सैटरडे ही को तय करने लगा कल कौन सी मजलिस में जाऊँगा।